हेलो ऑल माय फूडीज, वेलकम टू डिंपल खन्नास कुकिंग क्लासेस। टेबल पे जो आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल व्यू देख रहे हैं, लव एट फर्स्ट साइट एंड सुपर से ऊपर यमी इन एवरी बाइट, ये है हमारी डिवाइन पुडिंग्स। पुडिंग्स बेसिकली दो टाइप की होती है, हॉट डेजर्ट होते हैं और कोल्ड डेजर्ट होते हैं। मतलब पुडिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, हॉट पुडिंग्स एंड कोल्ड पुडिंग्स। हॉट पुडिंग्स तो सबको आती है, बिकॉज अगर हम हमारी खीर कहते हैं इंग्लिश में उसे राइस पुडिंग कहेंगे, गाजर का हलवा इंग्लिश में उसे कैरेट पुडिंग कहेंगे, तो हमारी इंडियन जितनी भी मिठाइयाँ हैं इंग्लिश में उन्हें पुडिंग ही कहा जाएगा। बट जो डिजाइनर पुडिंग्स होती हैं, जो सेट होती हैं, जो ब्यूटीफुल होती हैं, जो कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं, वो आज हमने कवर किए हैं। तो टेबल पे जो आप बहुत स्क्रम्पशियस व्यू देख रहे हैं, ये मेरी ऑनलाइन क्लास है पुडिंग्स की, जो अभी हमने कंप्लीट की है। ये एक बहुत सुपर डिजाइनर क्लास है। ये क्लास डिजाइनर क्यों है? सबसे पहली बात, इस क्लास का प्लस पॉइंट है, ये एक एगलेस पुडिंग्स का क्लास है। ये 100% प्योर वेजिटेरियन है। इसमें हमने जेलेटिन तक का उपयोग नहीं किया है। आई हेट द फ्लेवर ऑफ जेलेटिन। मेरी पूरी कुकिंग में जहां भी जेलेटिन यूज होता है हम नहीं करते। हम हर जगह रिप्लेसमेंट ली हुई है, वी डोंट यूज जेलेटिन। स्टिल आप देख रहे हैं कितने ब्यूटीफुल केक सेट किए हैं हमने विदाउट जेलेटिन, इतने गॉर्जियस। तो ये केक पुडिंग्स जो है हमने विदाउट जेलेटिन सेट किए, इनकी एक्सप्लेनेशन मैं फर्दर आती हूँ। ये एक ऑनलाइन क्लास है, कितनी गॉर्जियस है आप देख रहे हैं। जो भी ये क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा सिस्टम इस तरह से है कि आप मैं आफ्टर द वीडियो में मेरा नंबर शेयर करूंगी, आप फोन करके आप पता कर सकते हैं हाउ टू ज्वाइन द क्लास। इस क्लास के लिए आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ता है विद ऑनलाइन पेमेंट्स। ये एक वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास है, एक सुपर डिटेल वीडियो रिकॉर्डिंग है, स्टेप बाय स्टेप ऑफ एवरी डिटेल। इसकी जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं, इसका सेकंड प्लस पॉइंट क्या है? फर्स्ट तो ये है ये एगलेस है, सेकंड एगलेस है, जेलेटिन फ्री है, और सेकंड प्लस पॉइंट इसका ये है कि ये जो पुडिंग्स है ये क्रीम बेस्ड नहीं है, ये मिल्क बेस्ड पुडिंग्स है, वाटर बेस्ड पुडिंग्स है, जूस बेस्ड पुडिंग्स है, फ्रूट क्रशेस यूज किए हैं, फ्रूट्स यूज किए हैं, हमने बहुत हेल्दी चीजें इसके अंदर यूज की है। कोई भी डेजर्ट जिसमें क्रीम होती है वो दो चम्मच से ज्यादा खाना मुझे तो लाइक हैवी हो जाता है। कांट ईट दैट डेजर्ट जिसमें क्रीम यूज होती है। ये कोई भी डेजर्ट जो हमारे इसमें, एक भी डेजर्ट में हमने व्हिप क्रीम या फ्रेश क्रीम का उपयोग नहीं किया है। ये मिल्क बेस्ड है, फ्रूट बेस्ड है, नेचुरल डेजर्ट्स है, बहुत ज्यादा यम्मी। तो आइए देखते हैं आज हमने क्लास में क्या क्या कवर किया है। हाँ जी, ये है हमारी सुपर से ऊपर यमी, ये है फ्लोरिडा पुडिंग, वेरी लवली। आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा गॉर्जियस है फ्लोरिडा पुडिंग। अब मैं ये पुडिंग का एक पीस आपको काट के बताऊंगी, देखिए कितना लवली कटता है ये। सी, ये एक पीस हमने काटा। अगर मैं होल्ड करना चाहूंगी इस पीस को ऊपर, तो आप देखिए ब्यूटीफुली ये होल्ड होता है, वी कैन जस्ट होल्ड इट। तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये पुडिंग का पीस। ये थोड़ा स्लिपरी है इसलिए पकड़ना पड़ा मुझे। हाँ जी, अब ये देखिए, ये भी हमारा पुडिंग है। ये जो है दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पुडिंग, ये कैरमल पॉपकॉर्न पुडिंग है। एक बहुत ही, आज तक आपने थिएटर्स में कैरमल पॉपकॉर्न खाया होगा बट पुडिंग में कभी नहीं खाया होगा। आज पुडिंग में कैरमल पॉपकॉर्न है, और ये जो कप देख रहे हैं आप, हमने शुगर का कप बनाना सिखाया है। वेरी लवली डिजाइनर डेकोरेशन है, वेरी वेरी लवली। दिस इज अ केक, वेरी लवली पुडिंग केक है ये। तो ये केक आपको कट करके बताएंगे, एक यूनिक केक है ये पुडिंग केक, वेरी लवली। इसे भी हम आपको होल्ड करके ऊपर बताएंगे कि कितनी ब्यूटीफुली ये केक होल्ड होता है। तो सी, दिस इज होल्ड ब्यूटीफुली। आप इसका पीस काट सकते हैं, पीस को होल्ड करके ऊपर ले सकते हैं। पुडिंग्स का मतलब यही होता है बेसिकली कि आप इन्वर्ट करते हो तो डीमोल्ड होनी चाहिए। तो अगर इनमें से कोई भी डेजर्ट आप डीमोल्ड भी करना चाहते हो तो इजिली डीमोल्ड होगा, आप उसे शेप ऑफ द कंटेनर दे सकते हो। तो ये बहुत ब्यूटीफुल पुडिंग्स है। अब ये जो थर्ड पुडिंग आप देख रहे हैं, ये मेरी फेवरेट पुडिंग है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, मड पुडिंग है। आप देख रहे हैं मड में हमने छोटा सा ट्विग लगाया है ऑफ मिंट, ताकि वो ऐसा लग रहा है जैसे झाड़ उग रहा है मड में। इट लुक्स वेरी प्रिटी, बहुत ज्यादा खूबसूरत। ये जो आप देख रहे हैं मेरा फेवरेट है, ये स्ट्रॉबेरी ओटमील पुडिंग है, वेरी वेरी लवली। सुपर लवली फ्लेवर है इसका, बहुत रिफ्रेशिंग टेस्ट है इसका। Now, this is my favorite pudding. I just love this pudding. This is royal pudding. आप देख रहे हैं सिर्फ लुक ही रॉयल नहीं है, और ये जितनी भी शुगर डेकोरेशंस देख रहे हैं ये सारी क्लास में सिखाई गई हैं। Very beautiful. It is rich pudding with dry fruits loaded in it. Very very yummy.
तो दिस इज सुपर यमी रॉयल पुडिंग। आई रिपीट, एक भी पुडिंग में हमने क्रीम या फिर विप क्रीम का उपयोग नहीं किया है। ये मिल्क बेस्ड डेजर्ट्स हैं, फ्रूट क्रशेस, फ्रूट्स बेस्ड डेजर्ट्स हैं ये। दिस इज ब्लूबेरी चिया सीड पुडिंग, बहुत ज़्यादा लवली। चिया सीड आजकल बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है, पीपल लव इट लाइक एनीथिंग। इट इज़ वेरी हेल्दी, वेरी गुड फॉर मेनी थिंग्स। एक डाइटेटिक्स की वैल्यू से देखा जाए बहुत हाईली अप्रिशिएबल है ये, तो इसलिए ब्लूबेरी चिया सीड्स पुडिंग वेरी लवली। अभी जो पुडिंग आ रही है देख के दिल खुश हो जाएगा, दिस इज फॉल इन लव पुडिंग, क्योंकि देखते ही यूल फॉल इन लव। सी द कंट्रास्ट ऑफ कलर्स इन इट, वाइट एंड रेड, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा लवली लगता है। द फ्लेवर इज वेरी डिवाइन, बहुत ज़्यादा सुपर यमी टेस्ट है इसका। तो दिस इज फॉल इन लव पुडिंग, वेरी लवली। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा हमने ट्विस्ट दिया है रेड वेलवेट को, हमने ऑथेंटिक रेड वेलवेट नहीं रखा है, इसलिए हमने इसका नाम दिया है फॉल इन लव, बिकॉज वही बेसिक फ्लेवर्स बोर हो जाते हैं, डिजाइनर ही लोग सीखना चाहते हैं। दिस इज अ ऑरेंज ब्लॉसम पुडिंग, अगेन अ वेरी रिफ्रेशिंग फ्लेवर फॉर ऑल द ऑरेंज लवर्स, बहुत ज़्यादा यमी पुडिंग है ये। साइड में देखिए ऑरेंज के ये नज़र आते हैं, द लुक वेरी प्रिटी, सी द लेयर्स वेरी ब्यूटिफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये। दिस इज अ रेनबो पुडिंग, देखिए कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, जितनी सुंदर ये लग रही है टेस्ट उतना ही अमेजिंग है इसका, वेरी लवली। दिस इज अगेन अ डिवाइन फ्लेवर, मेरा फेवरेट फ्लेवर है स्नो वाइट पुडिंग, ये बहुत माइल्ड फ्लेवर की पुडिंग है, बहुत ज़्यादा लवली, लाइक हर चम्मच खाओगे ना डिवाइन बाइट है, बहुत ज़्यादा लवली, बहुत बहुत इसका माइल्ड फ्लेवर है, इसलिए पुडिंग मुझे जब भी कभी ऐसा होता ना कुछ बहुत हैवी खाना खाया और उसके बाद डेजर्ट सर्व करना है, तो दिस इज़ अ अप्रोप्रिएट डेजर्ट, वेरी लवली स्नो वाइट पुडिंग। दिस इज वेरी लवली, अगेन बहुत ज़्यादा खूबसूरत पुडिंग है ये। दिस इज खस पिस्टैचियो पुडिंग, अ वेरी लवली, ग्रीन्स का मिक्स किया है खस एंड पिस्टैचियो, तो खस एंड पिस्टैचियो पुडिंग वेरी लवली। ये जो आप देख रहे हैं क्रंची मैंगो टैंगो पुडिंग है ये, तो दिस इज क्रंची मैंगो टैंगो पुडिंग, शुगर डेकोरेशन हमने प्रैक्टिकली बताए हैं यहाँ पर, वेरी लवली। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल पुडिंग, बहुत ज़्यादा लवली, दिस इज डेविल्स जोन, वेरी लवली। ये एक चॉकलेट पुडिंग है, जो चॉकलेट लवर्स है उनके लिए है ये पुडिंग, वेरी वेरी लवली। दिस इज लव एट फर्स्ट साइट, देखते ही आप देखिए इसमें 9 layers हैं, 9 layers वाली पुडिंग है, कितनी कलरफुल है, कितनी डिवाइन है, देखते ही प्यार हो जाएगा, वेरी यमी फ्लेवर्स और सारे फ्रूट फ्लेवर्स हैं, वेरी लवली फ्लेवर्स। तो आप जो देख रहे हैं क्लास, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आफ्टर द क्लास मैं नंबर आपके साथ शेयर करूंगी, आप फोन करके जान सकते हैं। ये जो वीडियोस हैं, ये वीडियोस हम आपको ईमेल से भेजते हैं और जो नोट्स हैं वो व्हाट्सएप से आएंगे, आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस होता है वीडियोस का, तो आपको जब भी कंफर्टेबल हो आप वीडियोस देख सकते हैं और सीख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे 24/7 कभी भी बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मेरी क्लास ज्वाइन करना, कुकिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी मुझसे कभी भी फोन करके बात कर सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी टू ज्वाइन माय क्लास टू टॉक अबाउट एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट कुकिंग। आपको कुकिंग में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए प्लीज फोन करके मुझसे बात कीजिए। तो दिस इज अ सुपर डिवाइन 100% प्योर वेजिटेरियन, क्रीम फ्री, जेलेटिन फ्री, वेरी हेल्दी, वेरी लवली, डेजर्ट्स का बेस्ट सेक्शन। अगर आप मुझे पूछेंगे ना कि डिंपल आंटी मुझे डेजर्ट्स का बहुत शौक है और स्पेशली आजकल ट्रेंड चला हुआ है डेजर्ट्स जो जार में सर्व होते हैं, तो आप जो देख रहे हैं ब्यूटीफुल, ये देखिए जार, दिस इज अ जार, दिस इज अ जार, दीज आर जार्स, दिस इज अ जार, दिस इज अ जार, हमने ब्यूटीफुल जार में कितने ब्यूटीफुल डेजर्ट्स को प्रेजेंट किया है। और मेन जितने भी बाहर हम खाते हैं डेजर्ट्स इन जार, उनका प्रॉब्लम ये है वो क्रीम बेस्ड होते हैं, 2 चम्मच में हैवी हो जाता है, हम मंगाते बहुत शौक से हैं बट 2 चम्मच खा के मन भर जाता है, आगे खाने का मन नहीं करता। मैं आपको गारंटी देती हूँ ये पुडिंग अगर एक जन एक खा ले तो बड़ी बात है, दो पुडिंग एक जन भी खा सकता है, ये इतनी अमेजिंग है, इतने लाइट डेजर्ट्स हैं ये, बहुत ज़्यादा सुपर यामी। सो होप सो यू लाइक द ब्यूटिफुल व्यू ऑफ द टेबल। तो